हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी प्यारे प्यारे दोस्तों, बात करेंगे शिबा इनू के ऊपर। जी बिल्कुल, कुछ छोटी मोटी सी अपडेट्स मुझे देखने को मिल रही है शिबा इनू के ऊपर। जो शिबा काल है या शायतोषि कुसामा है, उनके रिलेटेड मुझे शिबा को अपडेट देखने को मिली है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ शिबा इनू के प्राइस भी देखेंगे, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स भी देखेंगे, मार्केट के हालात भी देखेंगे, तो वो सारी की सारी बातें मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, और रिक्वेस्ट हूँ कि आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाओ, साथ में बैल के आइकन को दबाओ, ताकि शिबा इनू हो, किशु इनू हो, लवली इनू हो, फ्लोक इनू हो, कोई भी क्वाइन हो, उसके रिलेटेड कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज़, कोई भी कंटेंट, कुछ भी निकल के आए, वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उन सारी चीज़ों को मिस ना कर सकें। सो विदाउट बीइंग वेस्टिंग एनी टाइम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। तो भाई देख लेते हैं भाई हमारा आज का जो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, सॉरी फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स से पहले मार्केट को देख लेते हैं। बीटीसी भाईजान 1.9% बढ़ चुका है पिछले 24 घंटों में और तकरीबन 30,599.12 डॉलर पे चल रहा है। इथेरियम की बात करें तो 86.49 डॉलर पे चल रहा है, और बात करें बीएनबी की 245.67 डॉलर पे चल रहा है, एक्सआरपी 0.4 डॉलर पे चल रहा है, कार्डन 0.2 डॉलर पे चल रहा है, डोजकॉइन 0.06 डॉलर पे चल रहा है, सोलाना 17 डॉलर पे चल रहा है, ट्रॉन 0.07 पे चल रहा है। तो इस तरह ओवरऑल जो हमारी मार्केट है वो हमें मूव करते हुए दिखाई दे रही है। मार्केट के साथ बात करें फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो 62 स्कोर के साथ मार्केट की रीड है। कल 65 स्कोर के साथ जो मार्केट थी वो ग्रीड में थी। लास्ट वीक बात करें 47 स्कोर के साथ मार्केट न्यूट्रल थी, और लास्ट में 51 स्कोर के साथ जो मार्केट थी वो हमें एक न्यूट्रल कंडीशन में देखने को मिली थी। तो भाई ये हो गया हमारा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स। मार्केट के हालात बात करेंगे शिबा को रिलेटेड, तो भाई शिबा के हालात में चल रहे हैं। तो भाई शिबा इनू 16 नंबर पे रैंक कर रहा है, 1.1% बढ़ चुका है, पैरा बीटीसी 1.2% बढ़ चुका है, इथेरियम के हिसाब से 0.7% बढ़ चुका है, और ये एनुअली बेसिस में 90% के करीब लगभग डाउन है। ये लास्ट ईयर तकरीबन 22% डाउन गए, और 30 दिनों में 6.3%, 14 दिनों में 26% बढ़ चुका है, 7 दिनों में 15% तक जो है वो बढ़ चुका है। तो भाई ये है ओवरऑल मार्केट के हालात। अब बात करें अपडेट्स को लेकर, तो भाई क्या क्या अपडेट्स देखने को मिल रही है। तो भाई यहाँ पे मुझे एक मज़ेदार सी दिलकश सी अपडेट देखने को मिली भाई। शिबा इनू इंट्रोड्यूस शिप कॉल्स लिंक टू एनएफटीज टू द रियल वर्ल्ड आइटम्स। जी बिल्कुल, शिप कॉल एक प्रोडक्ट जो शिबा इनू की तरफ से जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, जो एक कलेक्टेबल चीज आइटम होगा जिसके एनएफटीज वगैरह होंगे, और इन एनएफटीज को आप रियल वर्ल्ड में भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, शिप कॉल कैन बी यूज्ड टू जनरेट अ टेक फॉर रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट such as a t-shirt which is tied to a user's NFT collection in the way to authenticate it, owner of the t-shirt and the NFT are the same person. जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप क्या करते हैं एक t-shirt लेते हैं, तो भाई उस t-shirt का एक NFT non-fungible variant होगा, उसका एक tag होगा। तो अगर इसमें हमें ये पता चलेगा भाई जिसका ये NFT है real life में भी वो t-shirt उसकी है, तो फिर उसमें आपका मोबाइल हो, गाड़ियाँ हो, तो ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो शिप कॉल अपने साथ इंटीग्रेट करने जा रहा है। इट मीन कि ये NFTs को रियल वर्ल्ड को आपस में इंटीग्रेट करके मर्ज करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद एक तो ये बहुत बढ़िया अपडेट है, ये प्रोडक्ट रिलीज होगी तो मार्केट में हलचल मच जाएगी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो शायद तो उसी कुसामा की तरफ से है। जी बिल्कुल, कुसामा की तरफ से हमें बहुत सारी अपडेट सुनने को मिल रही है कि भाई कुसामा छोड़ के जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। तो भाई यहाँ पे इन रीसेंट अपडेट ऑन टेलीग्राम, कुसामा इंडिकेटेड दैट ही प्लान्स टू स्टेप बैक फ्रॉम हिज रोल वंस शिबारियम इज फुल्ली डेवलप्ड एंड मल्टी टोकन governance is operational at that point his responsibility would be complete and it would be the upper to the community to determine the next step and utilize the ecosystem according to kusama ji bilkul yahan pe chaito ji kusama ki taraf se ye kehna hai ki bhai mera jo role hai wo shivaram ko fully aapko set karke dena hai usko chala ke dena hai uske baad मल्टी टोकन जो गवर्नेंस है वो भी फुली ऑपरेशन होगी, तो वहाँ पे मेरी जो जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाएगी, मैं फटक से फर करके निकल जाऊँगा। फिर आपको कम्युनिटी के ऊपर है कि वो उसको किस तरह लिखी जाती है, किस तरह प्रोजेक्ट को यूटिलाइज करती है। तो दोस्तों ये दोनों न्यूज़ हैं मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने जा रही है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप दोनों चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे उम्मीद की जोर से मिली थी, लेकिन आपको पसंद आई और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सब जानते हैं आप सबको अपना ख्याल रखना है। पीस, थैंक यू।